वो घर आती है शर्म के मारे वो किसी से नहीं बताती है पर वो इस शर्म के साथ कितने साल एंजाइटी में रहेगी कितने बार मेट्रो पे जाने के पहले सोचेगी और ये जिस ट्रामा हुआ उसको ये दूसरों की नज़र में एक हादसा था अरे यार हो गया भूल जाना पर उसके लिए वो एक ट्रामा बन गया और वो ट्रामा उसके अंदर इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत सालों तक चलता है हो सकता है हो सकता है अगर ये अंदर रह जाए तो फिर उसकी आगे की रिलेशनशिप विध अनादा पार्टनर में भी बीच में आड़े में आए अगर टाइमली इस पर हमने एड्रेस नहीं किया तो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसके हजारों रीजन है दिस जस्ट अ वेरी स्मॉल जनरल एग्जाम्पल कैसे करा जा सकता है थेरेपिस्ट क्या है ना ये बहुत बड़ी चीज़ आप बहुत अच्छा हुआ कि आपने सवाल पूछा जब ये चीज क्रॉनिक हो जाती है तो इसका इलाज डॉक्टर्स के ही पास होता है वेन आई सी डॉक्टर्स आई डोंट मीन साइकाइट्रिस्ट गो टू अ काउंसिलर काउंसलर्स अलग होते हैं थेरेपिस्ट अलग होते हैं साइकोलॉजिस्ट्स अलग होते हैं और साइकाइट्रिस्ट अलग होते हैं तो ये चार अलग लोग हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द कंप्लेक्सिटी आपको चुनना पड़ेगा कि मैं किसके पास जाऊँ बहुत बार तीन चार काउंसलिंग में ही हेल्प मिल जाती है एंड काउंसिल इज अ वेरी नाइस पीपल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी वो आपको पचास टिप्स ऐसे दे जाएंगे कि आपको लेकर अरे वाह बस बातें तो की इनके साथ और देखो कितना मज़ा आया थोड़ी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है हो सकता आपको है आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़े कॉग्नेटिव थेरेपी है कुछ और पचास तरह की थेरेपीज़ होती हैं तो दैट कैन बी यू नो अनादर एपिसोड ऑल टुगेदर इफ वी टॉक अबाउट इट देन यू हैव साइकाट्रिस्ट फॉर डीपर प्रॉब्लम्स विच नीड मेडिकेशन बिकॉज काउंसलर्स एंड थेरेपीज वोंट गिव यू मेडिसिन और आपको एंग्जाइटी हो रही है यू हैव टू बी ऑन पिल्स दे कॉन् प्रिस्क्राइब देन यू हैव टू गो टू हायर लेवल यू गो टू अ साइकाट्रिस्ट तो पी किस लेवल का है और किसके पास जाना है इसका बेस्ट तरीका है आप प्लीज मेडिकल हेल्प लें काउंसलिंग लें थेरेपिस्ट के पास जाएं साइकाट्रिस्ट के पास जाएं तभी समझ में आएगा एक और बहुत जैसे पीटीएसडी उसी से याद mm. आ गया सो आई हैव टू पुट इट फॉरवर्ड समथिंग